यदि बात जवाब करते दिया जवाब। एनसीपी का कंट्रोल अभी अजीत पवार के पास है, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं कि 35 से 40 एमएलए उनके साथ में। आप नई पार्टी कोई बनाने की बात हो रही है, आप कोई नई पार्टी बनाएंगे? ट्राई कीजिए इसे साथी साथी इसे कोई फायदा नहीं होता। और ये जो महाराष्ट्र के आज के मुख्यमंत्री है उनकी कोर्ट में केस थी, तो कोर्ट ने साल बताया कि किसके पास कितने है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी एनसीसी, तो व्हाट यू आर आस्किंग दैट इज नॉट द इशू फॉर अस। ओके थैंक यू। आपको लगता है सर ये सरकार चलेगी? That was an important interview of Sharad Pawar, the NCP chief, who has managed to, in fact, speak to CNN News 18's Amit Shukla. And he is saying that there is nothing about a new political party in the works. And all the claims that have been made by Ajit Pawar, that all the support of the NCP MLAs are with him, are absolutely bogus. And these are the words of the NCP Supremo, Sharad Pawar, who's rejecting the claims that have been made by the अजीत पवार फैक्शन। वो सवाल पूछ रहा हूँ सर आपसे कि नेक्स्ट मूव क्या होगा सर। सर सीएनएन न्यूज 18 से, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सीएनएन न्यूज 18 सर। सर दो सवाल पूछूंगा बस। सर नेक्स्ट मूव आपका क्या होगा? एक्सपेल करेंगे अजीत पवार और एमएलए को जो कल शपथ ग्रहण में पहुंचे थे? हमारा इंटरेस्ट खाली पार्टी रिनाइज करना है। सर ये आपकी ब्लेसिंग से हुआ है सर? पार्टी रिनाइज करना ये हमारी जिम्मेदारी है, वो काम करेगी पूरे स्टेट में जाकर। एक्शन एक्शन क्या लेंगे आप? नहीं पार्टी रिनाइज करके मजबूत पार्टी खड़ी करना ये एक्शन है। लीगल एक्शन लेंगे पार्टी पार्टी का कंट्रोल, क्योंकि अजीत पवार ने कल बोला था कि एनसीपी असली एनसीपी हमारे पास है और पार्टी का कंट्रोल हमारे पास ही है। तो उनका स्टेटमेंट है तो मैं क्या करूं, उनको ऐसे लगता है तो। पार्टी का कंट्रोल आपके पास है या अजीत पवार के पास है? ये काय के लिए पूछते हैं? क्योंकि I am a president of the party.